यहाँ देखें, आंटी रोज ने अब्बा से कहकर टिकट मंगवाया है। खुदा हाफिज़ अम्मी। खुदा हाफिज़। आंटी रोज कौन सी पिक्चर देखने जा रहे हैं? अरे तुम फिल्म क्या देखोगी, तुम्हें तो अपने सपनों का राजकुमार मिल गया। इस तरह मैंने उन दोनों की कई बार मेल मुलाकातें कराई और फिर एक हफ्ते के बाद विक्टर जुबेदा को अपने रॉयल हवाई जहाज में बिठाकर फतेहपुर ले गया और मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया। अरे अकेला क्यों? तुम्हें तुम्हारे नानी के पास छोड़ा था। Don't blame her, my dear. उसे ऐसा मौका फिर कब मिलता? And she was so happy. इन्हें कहाँ रखूं बेगम साहिबा? ये क्या है, ये इतने सारे गुलदस्ते किसने भेजे हैं? ये जुबेदा बेगम के लिए एक छोटी सी निशानी फतेहपुर नरेश हिज हाइनेस राजा विजेंद्र सिंह जी ने भिजवाया। क्या ये सारे के सारे मेरे लिए है गिरिवर सिंह जी? जी हुकुम। कितने खूबसूरत है, आपने पसंद किए थे? जी नहीं, महाराज ने खुद अपने हाथों से एक एक फूल चुना है खास आपके लिए और इसमें एक खत भी है। मुझे इजाजत दीजिए। जी हुकुम। मेरी जान, ये 8 गुलदस्ते हमारे पहले 8 दिनों की यादगार हैं। इसके साथ मेरा सारा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारा गुलाम विक्टर। ये विक्टर कौन है? फतेहपुर के राजा विक्टर उनका घर का नाम है। तुम उनसे मिली कैसे? आंटी रोज ने मिलवाया था। देखो जूबी, अगर साहब को पता चल गया तो आफत खड़ी कर देंगे। वो मुझसे शादी करके फतेहपुर की रानी बनाना चाहते हैं। बेटा, ये राजे महाराजे बड़े अय्याश होते हैं, भोली भाली लड़कियों को फांसने की सब गुर जानते हैं ये। वो कहते हैं कि उन्हें इस तरह कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। प्यार? वैसे भी वो तुमसे कैसे शादी कर सकते हैं, वो तो हिंदू हैं। न जाने कम वक्त के हरम में कितनी रानियां पहले से ही भरी पड़ी होंगी मुंह का मजा बदलने के लिए। एक और सही, तुम क्यों नहीं चाहती कि मैं फिर से शादी करूं? बेटा, तुम्हारे अब्बा बहुत अच्छा रिश्ता तय कर रहे हैं। लड़का अमेरिका में पढ़ता है, आला खानदान है। जिससे मुझे मोहब्बत है मैं उसी से शादी करूंगी। ये जो प्यार मोहब्बत के राग तुम अलाप रही हो, शायद भूल गई कि तुम एक बच्चे की माँ हो। अम्मी, वो मुझे रिजू से थोड़ी अलग करेंगे, वो बहुत ही प्यारे इंसान है, एक बार मिलकर तो देख लो। मुझे नहीं मिलना। अम्मी, एक बार, सिर्फ एक बार मेरी ख्वाहिश भी पूरी कर लो। प्लीज मान जाओ अम्मी। नमस्ते बेगम साहब। वाह, क्या कहने हैं, आप तो अपनी बेटी से भी ज्यादा हसीन निकले। आप बेजा तारीफ कर रहे हैं राजा साहब, शायद इन्हीं अदाओं की वजह से आपने मेरी बेटी का दिल जीत लिया होगा। देखिए, मैं आपको किसी गलत फहमी में नहीं रखना चाहती, जुबैदा के वालिद ने जुबैदा का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है और ये रिश्ता हमारी हैसियत और मजहब के मद्देनजर ज्यादा मुनासिब है। आपको नहीं लगता कि दिल के रिश्ते कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं? क्या आप एक बार फिर अपनी बेटी की खुशी अपने अहम के खातिर कुर्बान करना चाहते हैं? मेरी बेटी क्या आपकी वाहिद बीवी होंगी?
जी नहीं, जब हम 12 साल के थे तब हमारी शादी चंद्रपुर के राजकुमारी से कराई गई। उनका नाम मंदिरा देवी। बच्चे? जी दो, एक लड़का और एक लड़की। यानी कि हमारी बेटी के बच्चों के कोई हक नहीं होंगे? छोटी रानी की संतान होने के नाते उनके जो भी हक हैं वे उन्हें अवश्य मिलेंगे बेगम साहिबा। और रियाज का क्या होगा? जी हम उन्हें गोद लेने के लिए तैयार हैं। खुदा ना करे, मैं अपने नवासे को हिंदू तरबियत से क्यों पलने दूं? बेगम साहिबा, अगर उनकी परवरिश एक मुसलमान की तरह से भी हो तो हमें कोई एतराज नहीं। बोली, हमें आपका आशीर्वाद है। अब मान भी जाओ अम्मी, मेरी ये एक तमन्ना तो पूरी होने दो। एक शर्त पर, तुम्हें रिजू को हमारे पास छोड़ना होगा। ये कैसे हो सकता है? मैं रिजू के बिना कैसे रहूंगी? मैं उसकी माँ हूं। माँ तो मैं भी हूं बेटी, एक वही तो हमारा नाम लेवा रह जाएगा इस दुनिया में। हम रिजू को नहीं छोड़ सकते। अम्मी, जुल्फी बेटा, तुम चंद दिनों की खुशी के लिए इस बच्चे की पूरी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। ये तो उस राजा का वक्ती जुनून है, दो चार दिन रहेगा फिर ऊब जाएंगे वो। नहीं अम्मी, वो मुझे सच्चे दिल से चाहते हैं, पर रिजू को अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? मेरा बच्चा, मेरी अपनी जान से प्यारा बच्चा रिजू। सब कुछ इतना दुश्वार क्यों है? अम्मी, मुझे रिजू को साथ ले जाने दो। आप कुछ भी कहिए, मैं इसे ले जा रही हूं। का कोई कसूर नहीं था, तुम्ही ने मुझे ले जाने से रोका था। पर खुदा का शुक्र है कि मैंने तुझे अपने साथ ही रखा, वरना वहां पता नहीं तेरा क्या हशर होता। अच्छा नानी, फतेहपुर में अम्मी के साथ क्या हुआ था? पता नहीं। तुम्हें सब कुछ पता है, तुम मुझे बताना नहीं चाहती। मुझे लगता है अम्मी ने वहां भी डायरी लिखी होगी। वो डायरियां कहाँ हैं? अरे मैंने डायरी जला दी, सारी की सारी डायरियां जला डाली। सब झूठ, तुमने अम्मी की हर एक चीज संभाल के रखी है। वो डायरियां भी जरूर तुम्हारे पास होंगी, दो मुझे। अरे क्यों अम्मी, दो मुझे। क्यों सता रहा हूँ मुझे बेघर में, जिसको देखो हाथ धो के मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं। पहले तुम्हारे नाना थे, फिर तुम्हारी अम्मी, और अब तुम। ढूंढ रहा था कुछ, मैं क्या ढूंढ रहा था? मैं, ये लड़का मुझे चैन से नहीं जीने देगा। तू ले ले चाट लेने।